Namaskaram. Namaskaram. On this 72nd Republic Day. इस 72वें गणतंत्र दिवस पर 71 सालों के बड़े बड़े संघर्षों के बाद कई चीजों का विकास हुआ है और सभी स्तरों पर जबरदस्त तरीके से देश में वृद्धि हुई है। हम हमेशा ही इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अभी भी कई चीजों का ख्याल रखना बाकी है। अभी भी कुपोषण मौजूद है, अभी भी गरीबी मौजूद है, अभी भी हमारी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन 71 वर्षों में हमने एक लंबा सफर तय किया है। हर वह व्यक्ति जिसने इसमें अपना योगदान दिया है, पिछली पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी और हर राजनीतिक दल, सभी नौकरशाह, सभी अधिकारी जो देश में सरकार और व्यापारों में काम करते हैं, उद्योग और युवा जिन्होंने कई बार खड़े होकर देश की दिशा बदली है, उन सभी को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। हम में से हर एक ने अपने खुद के तरीके से प्रयास किया है। देश में उलझने रही हैं, देश में संघर्ष रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में और एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में, हमारे देश की उम्र 71 वर्ष है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हम हजारों सालों से मौजूद रहे हैं। बिना किसी संदेह के निश्चित रूप से हम धरती के सबसे पुराने देश हैं, लेकिन एक देश के रूप में हम साथ आए। धर्म की या भाषा की या नस्ल की समानता के कारण नहीं, जैसे ज्यादातर देश बने हैं, हम सबसे अधिक विविध रूप में साथ आए। जो लोग हमें बाहर से देखते हैं, वे सोचते हैं कि यहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन हमारी अव्यवस्था कुछ ऐसी है। अगर आप किसी बगीचे की तुलना किसी जंगल से करें, तो जो बगीचे में रहते हैं वे जंगल में जाकर हकबक आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक महीने तक बगीचे का ध्यान न रखें तो बगीचा बचेगा ही नहीं। लेकिन जंगल लाखों सालों से मौजूद रहे हैं, तो जो ऊपरी तौर पर अस्त व्यस्त लगता है, उसमें खुद को बरकरार रखने की जबरदस्त क्षमता है। सबसे बढ़कर एक देश के रूप में हम हमेशा से जिज्ञासुओं की भूमि रहे हैं, न कि विश्वास करने वालों की भूमि। जिज्ञासु होना यानी हमने अपने अज्ञान में निवेश किया है। अज्ञान की बुद्धिमत्ता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवित ब्रह्मांड में हम जो जानते हैं वह बहुत ही छोटी सी चीज है। हम जो नहीं जानते या हमारा अज्ञान, वह असीमित प्रकृति का है। हमारा अज्ञान वाकई असीमित है, तो हमने हमेशा इसमें निवेश किया है। इसी वजह से यह एक जिज्ञासुओं की भूमि है। यही हमारी ताकत रही है। हम कभी भी एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं रहे हैं, लेकिन इस देश में व्यक्तिगत प्रतिभा हमेशा सामने आई, क्योंकि हमने किसी भी चीज पर विश्वास नहीं किया। हम हमेशा जिज्ञासु बने रहे। अज्ञानता की बुद्धिमत्ता को समझने का यही मतलब है। यह समझना कि जीवन की प्रक्रिया हमेशा पूरी तरह धधकती रहती है। अगर आप विश्वास करने वाले बन जाते हैं तो आप थम जाते हैं, लेकिन जब आप एक जिज्ञासु होते हैं तो आप लगातार धधकते रहते हैं। तो यह आग हमने खुद में हजारों सालों से दिखाई है। हमें इस आग को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी प्रगति इसी में है, हमारा भविष्य इसी में है। हमें इस भूमि को उस महानता तक ले जाना होगा जिसका आनंद इसने हजारों सालों से उठाया है। ऐसा करने का समय आ गया है। मैं आप में से हर से विनती करता हूँ, आप युवा हो या बुजुर्ग, बस इतना करें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, Whatever you're doing, अभी मैं जो चीज कर रहा हूँ, क्या वह इस देश के लिए अच्छी है या इस देश के लिए अच्छी नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखें। इस एक विचार के साथ मुझे यकीन है कि एक देश के रूप में अगले कुछ सालों में हम फिर से वही भव्य भारत बन जाएंगे जो हम हमेशा से रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि एक बार फिर से We will make this into a भव्य भारत। हम इसे भव्य भारत बनाएंगे।